जो है उन्हीं में से सवाल आया, ठीक है जी। ये फाइन लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट है आपकी, वेरियस प्रोडक्ट्स हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू पर्टेन्स टू वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। जो नीचे पीएनएल आ रहा है वो कंपनी का पीएनएल नहीं है बल्कि एक प्रोडक्ट का पीएनएल है, ठीक है। कंपनी ने, और ये पीएनएल है किसका, फॉर द ईयर एंडेड। याद रखना जब वर्ड लिखा हो ईयर एंडेड, इसका मतलब ये साल गुजर चुका है, जो काम होने तो हो गया। ईयर एंडिंग का मतलब क्या है, ये बजट है, फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है जी। अच्छा जी सर, ईयर एंडेड सर हमने 5 लाख यूनिट लास्ट ईयर बेचे सर, मटेरियल 30 रुपए किलो खरीदा, इन 5 लाख यूनिट के लिए 22,500 रुपए का मटेरियल लिया, ठीक है। कितने केजी मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा, इतना तो सेंस है ना हम सब में कि 22,500 को हमने डिवाइड करना है किससे, ठीक है जी, वेरी गुड सर। स्किल्ड लेबर 125 रुपए घंटा लेता है हमसे, उसके 10,000 रुपए सर। अनस्किल्ड लेबर 100 रुपए घंटा लेता है, इसके 5,000 रुपए। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन वेरिएबल और फिक्स नहीं, प्रोडक्शन इसमें 50% वेरिएबल है, 50% क्या है फिक्स्ड है, ठीक है जी। ये आ गया हमारा जीपी, देन सीधा सा पीएनएल बना के दे दिया उसने, ये गुजरे हुए साल का पीएनएल है। द मैनेजमेंट ऑफ एफएल हैज डिसाइडेड टू टेक द फॉलोइंग मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ एफजीएच फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल हमने ये काम करने हैं। सबसे पहला काम, इंक्रीज द प्रोडक्शन वॉल्यूम बाय 10% टू टेक द एडवांटेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। अगले साल इस पूरे सेटअप में जितनी वेरिएबल कॉस्ट है सबने 10% इंक्रीज होना है, किसकी वजह से, वॉल्यूम की वजह से। शाबाश यार, पार्टिसिपेट करना भाई। फिर वो कह रहे जनाब कंपनीज प्लांट इज करंटली ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी, इज इट अ प्रॉब्लम फॉर अस। सर कोई मसला नहीं है, 80% पे हमने कैपेसिटी बढ़ानी है, 10% आराम से बढ़ा सकते हैं, 100% से बियॉन्ड नहीं जाएंगे हम, ऐसा। अच्छा जी फिर वो कह रहे हैं जनाब परचेज 60% ऑफ मटेरियल फ्रॉम एसोसिएट, फ्रॉम द कंपनीज एसोसिएट कंपनी दैट हैज ऑफर्ड अ बल्क डिस्काउंट ऑफ 5%। हम अगले साल 60% मटेरियल अपनी एसोसिएट कंपनी से खरीदेंगे जो हमें क्या करेगा, 5% डिस्काउंट ऑफर करेगा, ठीक है जी। सर इसकी वजह से वेस्टेज आएगी कितने की, 1% की, जो कि पहले शायद नहीं आती, ठीक है। रिप्लेस 40% स्किल्ड लेबर विद सेमी स्किल्ड लेबर, इट इज एस्टिमेटेड दैट सेमी स्किल्ड लेबर विल टेक 30% मोर टाइम टू डू द स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर शॉर्ट होगा, इस कंपनी ने स्किल्ड लेबर का काम उठा के दे दिया किसको, सेमी स्किल्ड को। सेमी स्किल्ड में फायदा क्या है, ऊपर ऊपर देखो 125 रुपए का घंटा है स्किल्ड का, और सेमी स्किल्ड का घंटा कितने का है, लेकिन वो कह रहा है सेमी स्किल्ड वाले वर्कर 30% टाइम ज्यादा लेंगे, ठीक है जी। इसका मतलब है नुकसान होगा हमें, तो फिर क्यों जा रहे हैं हम, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं भैया अगले साल इन्फ्लेशन है 10% सारी की सारी कॉस्ट, चाहे वो मटीरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड्स है, सबके लिए 10% का, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जनाब द कंपनीज मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू मेंटेन द सेम जीपी मार्जिन। एक बात बताओ, क्या जीपी अमाउंट की बात कर रहा है कि मार्जिन की बात कर रहा है, परसेंटेज की, इसकी परसेंटेज की, मुझे बताओ कंपनी का करंट जीपी मार्जिन कितना है, कितना, 14,000 डिवाइडेड बाय 56,000 कितना, कंपनी 25% अपने सेल्स पे जीपी कमाती है, तो अगर सेल्स का 25% जीपी है तो 75% क्या होगा, कॉस्ट होगी, ऐसा, यानी कंपनी की जो कॉस्ट होती है कंपनी उसको 75% ट्रीट करके सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेती है, तो जो सेलिंग प्राइस निकलती है उसका 25% हमारा क्या होता है, मार्जिन होता है, ऐसा। मुझे बताओ वो कह रहा है जनाब अगले साल में एक यूनिट कितने का बेचूं, कंप्यूट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, कितने का एक यूनिट बेचूं कि मैं जीपी मार्जिन कॉन्स्टेंट रख सकूं, जो करंट जीपी मार्जिन है अगले साल का जीपी मार्जिन भी इतना ही हो। मैं आपको दे रहा हूं सर 10 मिनट, अगर इस क्लास में बैठ के तुमने बातें करनी है ना तो दफा हो जाओ, ठीक है जी। तमाम लोग इंडिविजुअली बैठ के काम करेंगे, खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अपनी अटेम्प्टेबिलिटी बढ़ाओ, पार्टनरशिप नहीं करो यहाँ पे, ठीक है जी। वजाद नहीं आएगा बिल्कुल भी। चलो मेरे बच्चों देखो, अब यहां देखो, बोर्ड पे देखो, छोड़ दो, जहां मैं बोलूंगा छोड़ दो ना, आज कमांड करके चलाऊंगा मैं, ठीक है जी। सुनो, आप लोगों को जितना टाइम अलॉट होना चाहिए था पेपर में ना, उसका हाफ टाइम मैंने दिया, आधा। अब आप चेक करो उसमें से आधा सवाल आप अटेम्प्ट कर पाए हो या नहीं, ठीक है जी।
अब आप जरा देखो सर सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना था, प्लीज बोर्ड पे देखते रहना। मैं सबसे पहले उठा रहा हूँ, अच्छा देखो मैं एक चीज और भी क्लियर करता जाऊं, 30 सेकंड में एक चीज और क्लियर करूंगा। जब प्रैक्टिकल पेपर होता है ना कोई, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है या कॉस्टिंग का पेपर है, तो उसपे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में मैंने एक दफा एग्जामिनेशन वालों से पूछा, मैंने कहा इतना लेंथी पेपर है बच्चा अटेम्प्ट कर करके मर जाए। उसने कहा नहीं, हमारा बेंचमार्क ये होता है कि एक बंदा अगर 3 घंटे लिखता रहे ना, सोचने का टाइम नहीं है उसमें, लिखता रहे ना तो पेपर 100% कंप्लीट है। ठीक है जी, तो आप लोगों को सोचना भी है पेपर में। ठीक है जी, तो ये दिमाग में रखना कि जब एक दफा चीज सोच ली ना, फिर थोड़ा सा स्पीड में काम करना है। ठीक है जी, और पेपर में एवरेज हर एक बंदे से 15 से 20 मार्क्स छूटते हैं। ठीक है जी, 15-16 मार्क्स से ऊपर छूटे फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है पास हो, लेकिन फिर एक अच्छी बात यह है कि आपको 100 नंबर का पेपर नहीं होता, पेपर होता है तकरीबन 118-119 मार्क्स का, उसमें से आपको 50 लेने होते। ठीक है जी, आए जरा देखें। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास लास्ट ईयर की मटेरियल कॉस्ट कितनी थी? 22,500। मेरे पास सर 1 kg की कॉस्ट कितनी थी? 30। बताओ लास्ट ईयर हमने कितने केजी इस्तेमाल किए? कितने? 750 kg। ऐसा अगले साल क्या होगा? इस 750 kg के 2 हिस्से बनेंगे। ये हम खरीदेंगे सर अपनी रिलेटेड पार्टी से और कुछ हम खरीदेंगे मार्केट से। रिलेटेड पार्टी से कितने केजी खरीदोगे? 60%। कितना? 450 kg। ऐसा यहां से कितने खरीदोगे? 300 kg। ऐसा अगले साल इन केजीज को एक तो वॉल्यूम के लिए बढ़ाओगे, ऐसा वॉल्यूम के लिए बढ़ाओगे, 10% वॉल्यूम बढ़ रहा है, और एट द सेम टाइम इसको ग्रॉस अप करोगे 99% से वेस्टेज का इंपैक्ट। अब बताओ केजीज कितने आ रहे हैं? केजीज कितने आ रहे हैं? एग्जैक्ट 500 kg। और इधर 330 kg, ये आ गए केजीज। डन। अब बताओ सर मेरे पास 1 kg की लास्ट ईयर कॉस्ट कितनी थी? 30। इस साल इन्फ्लेट भी हो जाएगा, यहां वॉल्यूम भी 10% से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी 10% है। अच्छा ये भी 30 रुपए का आ रहा है और इन्फ्लेट हो जाएगा, लेकिन यहां हमें मिलेगा डिस्काउंट कितने का? अब बताओ सर मेरे पास ये कॉस्ट और ये कॉस्ट कितनी आ रही? 15675 और बराबर वाली 10890। टोटल कितनी आ रही है? 26565। 26,000 रुपए का मटेरियल आ गया। कितने लोगों ने ये 100% सही किया? चलो जी कोई मसला नहीं। ठीक है जी, पक्का जी, तस्वीरें खींचो, छापने का टाइम नहीं है। ठीक है पक्का जी, बढ़े हम आगे। किसी को इसमें कोई एतराज, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई पंगा, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई सवाल, कोई मसला? नथिंग। अच्छा जी चलो, अब हम आते हैं किस पे? लेबर पे, लेबर पे, लेबर पे, लेबर, लेबर। प्लीज बोर्ड पे देखो, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा। चलो यहां देखो, मेरे पास सर 2 टाइप के लेबर हैं। कौन कौन से? एक है स्किल्ड। स्किल्ड लेबर के कॉस्ट कितनी थी लास्ट ईयर? 10,000। 10,000 रुपए की कॉस्ट थी। आर्स कितने थे सर उसके? आर्ली रेट कितना था? अगले साल या सर लास्ट ईयर हमारे पास कितने आर्स से? 80 आर्स से लास्ट, ऐसा लास्ट ईयर 80 आर्स हमने लगाए। अगले साल वॉल्यूम का इंपैक्ट आ रहा है 10%। बताओ कितने आर्स अगले साल लगेंगे? 88 आर्स। ये हमारा प्लान है कि हम अगले साल काम करवाएं किससे? स्किल्ड लेबर से। लेकिन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है इसके अंदर सर, स्किल्ड अवेलेबल होगा कितना, कितने परसेंट, कितने परसेंट हमने उससे करवाना है? सर हमने 40% स्किल्ड लेबर को रिप्लेस करना है, तो मुझे बताएं सर 60% आर्स हमारे स्किल्ड से आएंगे। कितने? 52.8 आर्स हमारे पास किससे आएंगे? स्किल्ड से आएंगे। बाकी बाकी अनस्किल्ड पे हम फेंक देंगे कितना? 35 पॉइंट। लेकिन ये जो अनस्किल्ड लेबर है या सेमाई स्किल्ड लेबर है, ये मनुज ढीला है, सुस्त है, ये टाइम लेगा कितना? 30% ज्यादा। तो बताओ मेरे पास कितने आर्स बन रहे हैं अब? कितने आर्स बन रहे हैं? 45.6
76 ऐसा ये आवर्स मेरे पास बन रहे हैं सर अनस्किल्ड के। सर मुझे बताएं अर्ली रेट क्या था लास्ट ईयर इसका 125 था, इसका अर्ली रेट 100 रुपए था, लेकिन अगले साल ये दोनों अर्ली रेट 10-10% क्या होंगे, इन्फ्लेट होंगे ऐसा। तो मुझे बताओ अगले साल मेरे पास स्किल्ड लेबर की कॉस्ट क्या आएगी और अनस्किल्ड लेबर की कॉस्ट क्या आएगी, ये कितना बेटा 7260 पक्का, और ये 5034 पक्का जी। अच्छा जी अब मुझे एक चीज ये बताएं सर, मैंने ना काफी डिटेल में वर्किंग कराई है, आप डायरेक्ट 10,000 वाले को भी ऊपर नीचे कर सकते थे, ठीक है जी, मैंने डिटेल में वर्किंग इसलिए कराई ताकि बाद में आपको समझने में आसानी रहे। देन अब बताओ सर ये मेरे पास किसकी कॉस्ट आ गई ये दोनों मिला के, ये मेरे पास सर लेबर के एक एस्पेक्ट की कॉस्ट आ गई जो अपने आपको क्या कहता है स्किल्ड लेबर, ठीक है, कितनी कॉस्ट है टोटल 1229। अच्छा इसके अलावा भी कोई लेबर है? हाँ हाँ है, कौन सा लेबर है इसके अलावा, सेमाई अनस्किल्ड जो भी है, ठीक है जनाब, सेमाई स्किल्ड लेबर 5,000 रुपए की कॉस्ट आई थी लास्ट ईयर, इसमें कोई चेंज है, इसको हमने कोई रिप्लेस करने का सोचा नहीं सर, कितने की कॉस्ट है ये, आर्ली रेट क्या है, कितने आर्स थे 50 आर्स ऐसा, तो अगले साल 50 आर्स की जगह 55 आर्स होंगे, और अगले साल आर्ली रेट 100 रुपए की जगह 110 होगा, बस क्या कॉस्ट आएगी 6050। अब बताओ हमारे पास लेबर की तीसरी कॉस्ट भी आ गई, ठीक है जी, डन हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई पंचायत, नथिंग ऐसा। अच्छा यार ये बीच में जो भी बंदा बस में चढ़ेगा ना वो सवालात नहीं करेगा कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, सवाल कौन सा चल रहा है, ये एक टॉपिक चल रहा है, ठीक है जी। अच्छा फिर उसने प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में मुकम्मल खामोशी का इजहार किया, उसने कहा भाई खुद सोचो प्रोडक्शन ओवरहेड से कितने, अच्छा जी मेरे पास सर वो क्या है प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने बोर्ड में देखना, 4500 के दो हिस्से बना दूं, एक वेरिएबल एक कितना आधा 50% 22250 आधा दोनों, ये है फिक्स, ये सिर्फ इन्फ्लेट होगा अगले साल, बराबर वाला इन्फ्लेट भी होगा, वॉल्यूम के लिए भी बढ़ेगा, कितना नीचे वाला 2475 ऊपर वाला 2723 जाने दो, टोटल कितना आ रहा है 5198। मुझे एक बात बताओ यार, एक बंदा अगर उसने क्लासेस ली है ना और क्लासेस के दौरान उसकी नब्स चल रही हो, वो जिंदा हो, तो ये वाली कैलकुलेशन तो वो कर ही लेगा ना, एक दो नंबर तो यहाँ से निकाल लेगा ना, एक दो नंबर ये समय स्केल के निकाल लेगा, ठीक है जी, कुछ कैलकुलेशन की जो है वो सारे खानदान को एक करके मटेरियल में से भी कुछ ना कुछ निकाल लेगा ऐसा। अच्छा जी अब सोचे एक बंदे ने सारी की सारी वर्किंग गलत की, सारी वर्किंग गलत की, जो फिगर्स निकाली मटेरियल लेबर ओवरहेड सब गलत निकाला, ठीक है जी, एंड में आके उसने वो कॉस्ट को रख के जीपी निकाल दिया परसेंटेज टर्म्स में, आप यकीन करें उसको भी 3-4 नंबर मिल जाएंगे, आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं वो बंदा फेल नहीं होगा जिसने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया, ठीक है जी, पूरा अटेम्प्ट किया पेपर, चाहे सही चाहे गलत, ठीक है जी, लेकिन आपका आपकी वही जो है ना वो पेपर देख के क्या कहते हैं उसको, मेरे अच्छे अल्फाज मेरे पास होते नहीं है, ठीक है जी, आप लोग जब पेपर देखते हो यार एक सवाल नहीं आ रहा वो दूसरे सवाल में मसला, तीसरे में मसला, चौथे में मसला, सुकून से जाना पेपर देने, इस पेपर के बाद अगर आप फेल हो गए आपको कत्ल नहीं किया जाएगा ना आपके किसी घर वाले को मारा जाएगा, ठीक है जी, जिंदगी मौत का मामला नहीं, सुकून में जाके पेपर देना। अब मुझे एक बात बताओ सर मेरे पास टोटल रॉ मटेरियल कितना, रॉ मटेरियल कितना जी 26,565, प्लीज बोर्ड पे देखना
डायरेक्ट लेबर कौन सा स्किल्ड कितना मेरे बच्चों 12294 मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे सर मेरे पास सेमी स्किल्ड 6050 6050 फिर मेरे पास सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने 5198 सर मेरे पास टोटल अमाउंट 50107 50107 रुपीस की अगले साल कॉस्ट होगी टोटल ये कॉस्ट 75% है सेल्स का क्योंकि 25% मार्जिन चाहिए हमें तो बताओ हमारे पास सेल्स ला सकते हो कितनी है? कितनी कितना 66810 मैं इसके आगे 30 लगा दूं क्योंकि सारी फिगर्स थाउजेंड में चल रही है डिवाइडेड बाय यूनिट कितने 500000 लास्ट टाइम थे इसके ऊपर 10% वॉल्यूम का अमाउंट फिर 550000 कितना आ रहा है 121.47 ठीक है जी अच्छा मुझे लग रहा था 124 है पक्का जी कितने लोगों ने सवाल 100% सही किया वेरी गुड यार एक्सेलेंट एक बच्चे ने और समी ने सही किया अलजबा ने सही किया और चलो जी अभी तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन माशाल्लाह वेरी गुड यार स्किल्ड लेबर का काम सेमी स्किल्ड से करवाया है तो उसको सेमी स्किल्ड लेबर में क्लासिफाई कोई फर्क नहीं पड़ता इससे भाई सुनो क्या ऐसा पीएनएल बनाने से नंबर कटेंगे कि आपने सेमी स्किल्ड में स्किल्ड की कॉस्ट और स्किल्ड में सेमी स्किल्ड की कॉस्ट डाल दी नहीं उससे मांगा गया आपसे आपसे मांगी सेलिंग प्राइस उसे आपसे पीएनएल नहीं मांगा मांगा होता हम क्लासिफिकेशन का ख्याल रखते ऐसा पक्का ये सेटम में 47 पे फेल हुआ था कोई मसला नहीं ये कर लिया था ये सवाल हुआ था जी यार एक मिनट जोर से जब मैं शुरू में देखो डिस्कस किया कि 80% कैपेसिटी में 10% का फर्दर इंक्रीज आ रहा है उससे क्या फर्क पड़ेगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा क्या क्या चेंज हो जाएगी ठीक है किसने कहा 90% पे आ गई 10% करंट कैपेसिटी का 10% बढ़ा है ना 80 का 10% बढ़ा 88 पे हम चले गए इससे फर्क क्या पड़ा मुझे अभी भी नौमान तुम्हारा सवाल समझ नहीं आ रहा इससे फर्क क्या पड़ रहा कॉस्ट जो थी वो तो हमने निकाल ली ना सारी देखो करंट कैपेसिटी है 80% इसको मैंने क्या करना है 10% बढ़ाना है ये कितना हो जाएगा इस सवाल का इससे क्या ताल्लुक है ये मैं जानना चाह रहा हूं खत्म इग्नोर करो ठीक है जी बड़े मांगे दोस्त अच्छा देखो एक चीज और सुन लो मेरे बच्चों यार बातें नहीं डिस्कशन नहीं होगी क्लास में आज ठीक है जी काफी सारा काम करना है इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उर्दू जुबान में रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं सलीस उर्दू में देखो फॉर्मेट अगर कोई कैसा भी रखे ना कॉस्टिंग के सवालों में सिवाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के किसी जगह पे भी फॉर्मेट मैटर नहीं करता ठीक है जी आप एक तरीके से फॉर्मेट बनाते हो एग्जामिनर पता नहीं किसी और तरीके से बनाता है मैं किसी और तरीके से बनाता हूँ अल्टीमेटली जो फिगर्स होती हैं कैलकुलेशन होती हैं वो चाहिए एग्जामिनर याद रखिएगा कि फॉर्मेट मैटर नहीं करता ठीक है जी अब हम लोग क्लास में प्रोसेस कॉस्टिंग एक तरीके से सॉल्व करते हैं अब मेरे जितने स्टूडेंट मार्केट में पढ़ा रहे हैं वो भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं लेकिन जो पुराने बाबे हैं वो उठा के सॉल्व करते हैं किससे कोई अलग तरीके से तो क्या सवाल कट जाते हैं नहीं सारों का फॉर्मेट अल्टीमेटली सही है अगर आपका जवाब सही आ रहा है मैं फिर रिपीट कर दूं फॉर्मेट की मोहताजी इस सब्जेक्ट में नहीं है ठीक है जैसे भी करो पक्का मटेरियल की वर्किंग दिखा दें एक एक